मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग किस एक्सरसाइज का देख रहे हैं पेज? बड़े ऊ, कौन से? बड़े ऊ से स्टार्ट होने वाली एक्सरसाइज। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो पहले आपको चित्र देखना है, कौन सा चित्र है, और फिर जो ये अक्षर में नहीं लिखा है वो लिखकर शब्द को पूरा करना है। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? आ लू, क्या है ये? आलू। ये क्या है? कबूतर है ना, तो क तो लिखा हुआ है, हम क्या लिख देंगे? बूतर, तो क्या हो गया? कबूतर। अब ये क्या दिख रहा है आपको? जूता दिख रहा है ना, जूता। ये क्या है? चूसा। ये मूली। और ये क्या है? ये देखिए, ये दिखा रहा है ना इसमें, ना खून। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए और पुनः लिखिए। ये शब्द लिखे हैं, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो हमें इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाना है और शब्द को पूरा करना है। जैसे का जा में बड़ी ऊ की मात्रा, जू, क्या बन गया? का जू। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं शा में बड़े ऊ की मात्रा, शूल। धा में बड़े ऊ की मात्रा, धूप। सा में बड़े ऊ की मात्रा, सूरज। उसके बाद कबूतर, इसमें फूलदान, फूलदान। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? पतलून। ओके, और ये डमरू। ओके बच्चों, तो ये हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाओ। ये आपको जो शब्द दिख रहे हैं नीचे, ये सारे, इनको पहले आप पढ़ेंगे, और जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है उस पर आपको गोला लगाना है। ओके, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है, देखिए फूल में, हाँ, तो इस पर गोला लगाया हमने। फिर च में बड़े ऊ की मात्रा, चूहा पे भी है, मूली, पूजा, रूप, जूता, धूल, कालू, गुलाब, ये तो छोटे ऊ की मात्रा है, तराजू, आलू, भूखा, खजूर, दुकान, ये तो छोटे ऊ की है, तो हम इस पे गोला नहीं लगाएंगे। कुल, ये भी छोटे ऊ की है, इस पे भी नहीं लगाएंगे। ये झूला, ये बड़े ऊ की मात्रा है। ओके बच्चों, इसी तरह से आप ये बड़े ऊ की मात्रा वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।